हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल गो टू स्टार्ट अ चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस तो एकेडमिक में आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, सॉल्यूशंस के बेसिक्स चीज़ें पढ़ी लिया है। चूँकि ये सीपीसी क्लास है इसलिए थोड़ा सा एडवांस वर्जन लेके चलेंगे। तो पहले कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा लेवल को एलिवेट करेंगे, उठाएंगे लेवल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं सॉल्यूशन इज़ व्हाट। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है ये, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे मैटर का, केमिकल क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि मिक्सचर्स जो होते हैं, यानी इम्प्योर जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं होमोजेनस, दूसरा कहते हैं हेटरोजेनस, ठीक है। तो हमने वहाँ पे होमोजेनस को जो एग्जांपल्स पढ़े थे, वहाँ पढ़ा था ऑल सॉल्यूशंस, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं सभी होमोजेनस होते हैं, ठीक है। अब होमोजेनस का मतलब क्या हो रहा है? होमोजेनस की दो कंडीशन बस हमको याद रखनी है, यानी सॉल्यूशन की दो कंडीशन बस हमको याद रखनी है, ठीक है। सपोज़ करिए कोई कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में 2, 4, 3, 5, 6 जितने भी चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें मिलाई गई, हो सकता है इसमें टू पार्ट्स हो, वाटर हो, शुगर हो, या हो सकता है कि वाटर, शुगर, सॉल्ट, ऐसे कुछ हो, या कुछ भी, कितने भी कंपोनेंट मिलाए जा सकते हैं, ठीक है। सपोज़ करिए इसमें कई सारे कंपोनेंट मिले हुए हैं, तो दो कंडीशंस हमें याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब रहा? मतलब ये रहा कि चारों तरफ जितना भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? किसका? दोनों का, सॉल्यूट या सॉल्वेंट या जितने भी कंपोनेंट हमने मिला रखे हैं उन सभी के, ठीक है। थ्रू आउट चारों तरफ जितने भी हम यहाँ पे देख रहे हैं चारों तरफ, ऐसा नहीं कि हमने सपोज करिए शुगर डिजॉल्व किया तो हम समझ रहे हैं कि वाटर में इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं तो सबसे पहले शुगर जाके नीचे वाले वाटर के स्पेस में फिट होगा, फिर और शुगर डालते जाएंगे तो ऊपर फिट होगा, ऐसा नहीं है। जितना भी आप डालेंगे शुगर ये पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वरना ऐसा रहता है तो शरबत सब लोग नीचे से ही पीते, ऊपर से नहीं पीते, क्योंकि नीचे पहले ज़्यादा मीठा रहा होगा, नीचे ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। थ्रू आउट कैसा हो गया? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? दूसरी शर्त क्या होती है? दूसरी शर्त होती है सॉल्यूशंस या होमोजेनस मिक्सचर के साथ कि जितने भी इसमें कंपोनेंट डाले गए हैं, ठीक है, इनकी बाउंड्री कहीं नहीं होती है, कोई सेपरेशन नहीं होता है बाउंड्री का, ठीक है। देयर इज नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं होता है, मतलब अगर हमने शुगर को डाल दिया है वाटर में तो ऐसा नहीं है कि हमको दिख जाएगा कि ये रहा शुगर का मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हम वाटर में ऑयल को डालें तो ऑयल क्लियर कट दिखाई देगा कि ये रहा ऑयल, ठीक है। लेकिन हम शुगर में या सॉल्ट में या ऐसा कुछ हमने मिलाया हुआ है जिसमें अगर बाउंड्री नहीं क्लियर हो रही है, हमें दिख नहीं रहा, तो उसे हम कहेंगे ये होमोजेनस मिक्सचर है, यानी कि ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या हो गई? हमने जितने भी कंपोनेंट्स को ऐड किया हुआ है इनके बीच में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, मतलब हम देख नहीं सकते। इससे एयर है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो होमोजेनस मिक्सचर है। गैसेस का होमोजेनस मिक्सचर क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पहली बात तो ये है कि आप कहीं भी कंपेयर करते हैं, हम एयर का कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो नहीं लिखा रहता कि इंडिया का इतना है, अमेरिका का इतना है, या कहाँ की बात करो, हमने पूछा है एयर की कंपोजिशन बताइए, तो ऐसा नहीं हमने पूछा कि किस कंट्री की बात कर रहे हैं, किस जगह की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहते। ओवरऑल एक सीधा सा बोलते हैं कि भाई नाइट्रोजन 78% है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं। ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सीधे बात कर रहे हैं स्टेटमेंट में, ऐसा तो कुछ कहीं नहीं कह रहे कि कहाँ की बात कर रहे हो आप। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं भी एयर अगर है एटमॉस्फेयर में तो कंपोजिशन सेम है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन है इसका, तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो गया, तो क्या हो गया ये सॉल्यूशन। दूसरा जो नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, तो बहुत सारी गैसेस है, क्या कोई गैस दिखाई देती है, मतलब हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, भाई हाइड्रोजन लड़ जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? कोई कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं हमें पता होता, ठीक है। यानी हम बिल्कुल क्लियर कोई बाउंड्री नहीं कि कहाँ पे कौन सी गैस है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो एयर क्या हो गया? एक होमोजेनस मिक्सचर और एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो गया। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि क्या होता है सॉल्यूशन, डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर एंड ऑल होमोजेनस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस, क्लियर।
जैसे आप एलॉय को ही ले लो, एलॉय सिंपल सा ले लिया हमने, दो मेटल को हमने मिला रखा है, ठीक है। तो क्या जब कोई ऑर्नामेंट है तो 24 कैरेट का तो कोई ज्वेलरी बनती नहीं है, कोई ऑर्नामेंट तो बनता नहीं है। तो सपोज करें 22 कैरेट का या 23 कैरेट, तो 1 कैरेट के इक्वलेंट कुछ ना कुछ तो ऐड करेंगे ना। सपोज करें हमने कॉपर मिला दिया उसमें, तो क्या देख के पता चलता है कि यहाँ कॉपर है यहाँ गोल्ड है? ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा, ठीक है, कहीं भी नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। यानी क्या रहा, चारों तरफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और कहीं कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती है गोल्ड और कॉपर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एलॉय, एलॉय क्या हो गए, होमोजेनस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट क्लियर हो गया हमारा, क्या रहा, क्या होते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर हो गया। सेकंड पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कह के हम चलेंगे यहाँ पे, की पॉइंट्स, ठीक है। की पॉइंट्स में सबसे पहला देखेंगे, की पॉइंट्स में सबसे पहली बात क्या आ रही है, सबसे पहली बात ये आ रही है कि किसी भी सॉल्यूशन में चाहे जितने कंपोनेंट आपने डाले हो, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, ठीक है। तो एनी सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन रह रहा है, एनी सॉल्यूशन हैज वन या सिंगल सॉल्वेंट, सॉल्यूट 1, 2, 3, 4 चाहे जितने हो सकते हैं, पर सॉल्वेंट एक ही होगा, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहली बात क्या आ गई कि सिंगल सॉल्वेंट, ठीक है, सिंगल सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में एक सिंगल सॉल्वेंट होता है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड, अब कई जगह कंट्रोवर्सी आती है कि अमाउंट को लेके, कि सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, किसका अमाउंट क्या होता है। देखिए बहुत क्लियर कट बात है कि सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का किसी का भी अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है, मीन्स सॉल्यूट मे बी मोर देन सॉल्वेंट। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे हनी, ठीक है, हनी है, हनी में क्या हो गया, दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया वाटर, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, शुगर। आप कहीं भी चेक कर लेना, शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है, तो इन दोनों में सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, क्लियर है ना, कौन हो गया ये सॉल्वेंट, कौन हो गया ये सॉल्वेंट, शुगर क्या हो गया सॉल्यूट। तो भाई यहाँ अमाउंट को तो हमने नहीं लिया, यहाँ तो हमने बात नहीं की कि जिसमें ज़्यादा रहेगा जो वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जो कम रहेगा वो सॉल्यूट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर। क्या सीधी सी बात आ रही है कि सॉल्यूट मे बी लेस और मोर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम आ रही है थर्ड पॉइंट हमारी कि ठीक है सर जी, ये तो हमारे पास समझ में आ गई, तो फिर डिसाइडिंग जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, कैसे डिसाइड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, सॉल्वेंट कोई सा भी सॉल्वेंट है बेटा, हमेशा सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेस होगा ऑलवेज। तो लोअर बॉइलिंग वाला, जैसे सपोज करिए 4 कंपोनेंट्स मिलाए गए हैं, तो उसमें जो सबसे कम बीपी जिसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, वही सॉल्वेंट होगा। इसका सीधा सा एक और मतलब समझते हैं, बॉइलिंग पॉइंट लेस हो या वेपर प्रेशर हाई हो या हाईएस्ट कह लो, ठीक है, और इसके लिए हम क्या कह लें, लोएस्ट कह सकते हैं। अब बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन साफ कह रहा है कि दो कंपोनेंट बेंजीन और एक कोई और कंपोनेंट मिलाया हुआ है, शायद टॉलविन मिलाया हुआ, दोनों में ये नहीं दिया हुआ कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है, इसी चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में। अब आपको समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट से कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, ये नहीं कहा है कि कोई सॉल्यूट है कौन सा, आप क्या रट पाओगे, याद कर पाएंगे कितने सारे कंपोनेंट्स में कौन सा सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, नहीं। तो क्या करना है हमें, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, या वेपर प्रेशर हाईएस्ट है ज़्यादा है, वो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट होगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम, सपोज करिए अल्कोहल एंड वाटर, हमने ये दो चीज़ मिला रखे हैं, बेटा इसमें से सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छी तरह मालूम है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 78 के अराउंड में होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अबाउट 77.38 ऐसा कुछ करके है, तो 78% अराउंड मान के चल रहे हैं, ठीक है। और वाटर का कितना है, ये तो अच्छी तरह वेल नोन है, 100 डिग्री सेल्सियस, कोई डाउट है, ठीक है। तो अब देखिए वाटर का कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का कितना, 78 डिग्री सेल्सियस, कौन है सॉल्वेंट, कौन हुआ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज अल्कोहल ऑलवेज। तो वाटर और अल्कोहल के सॉल्यूशन में अल्कोहल हमेशा सॉल्वेंट होगा,
तीनों पॉइंट्स समझ में आ गए, क्लियर हैं तीनों पॉइंट्स? फिर से समझ लीजिए, कितने भी कंपोनेंट मिलाए गए हों सोल्यूशन में, ठीक है, कोई एक सोल्यूशन बनाया गया, होमोजेनियस मिक्सचर बनाया गया, उसमें चाहे जितने कंपोनेंट मिलाए गए सॉल्वेंट सिंगल होगा, क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या रहा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट किसका अमाउंट लेस और मोर हो, तो कुछ भी हो सकता है, सोल्यूट का अमाउंट लेस भी हो सकता है, सोल्यूट का अमाउंट मोर भी हो सकता है। लाइक हनी में जो सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है, और सोल्यूट जो शुगर है, तो शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है और वाटर का कंटेंट कम होता है, 68% के आसपास शुगर होता है, ठीक है, यानी 70 के अराउंड मान लीजिए ये परसेंटेज है इसका, ये सिर्फ 30 या 35 के अराउंड में होता है बस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सोल्यूट, और ये क्या रहा, सॉल्वेंट, जबकि अमाउंट किसका ज़्यादा है, सोल्यूट का, क्लियर। नेक्स्ट, तो फिर सॉल्वेंट को किसे कहते हैं, तो सॉल्वेंट क्या हो गया बेटा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है या वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, क्लियर, कोई डाउट है, ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट पे देखते हैं, ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखिए अब सॉल्यूशन के कितने टाइप है, तो ऐसे कैसे बताएं कि सॉल्यूशन के कितने टाइप है, बहुत सारे टाइप होते हैं, तो हमको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे आप पूछ रहे हो। तो यहाँ पे हम तीन बेसिस को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तीन बेसिस, देयर आर थ्री बेसिस। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, पहला। सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, कैसा नेचर है सॉल्वेंट का, क्लियर, को डाउट। तीन बेसिस हमारे पास हैं, इन तीनों बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है, हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर के बेस पे, तो इसको कई सारे पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक तो हो गया बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, अगला क्या हो गया टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया टेट्रानरी सॉल्यूशन, इस तरह से बहुत पेंटानरी, बहुत सारे, तो हमने सीधे ले लिया पॉलिनरी, ठीक है, हमने क्या बोल दिया इसको, पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मतलब टू, यानी इसमें कितने कंपोनेंट हो, टू कंपोनेंट्स। टर्नरी कितने कंपोनेंट हो, थ्री कंपोनेंट्स। टेट्रानरी कितने कंपोनेंट्स हो, फोर कंपोनेंट। पॉलिनरी कितने हो, एन कंपोनेंट्स, कुछ भी मोर देन फोर या मोर देन थ्री काउंट कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए बाइनरी सॉल्यूशन है, टू है मतलब सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। टर्नरी में क्या होगा, वन सॉल्वेंट एंड टू सॉल्यूट्स। टेट्रानरी में वन सॉल्वेंट एंड थ्री सॉल्यूट्स। पॉलिनरी में वन सॉल्वेंट एंड मेनी सॉल्यूट्स। तो सॉल्वेंट तो हमेशा सिंगल होगा बेटा, हमारे कोर्स में जो पढ़ना है वो केवल हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। जो हमारा कोर्स दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में हमें किसके बात की गई है, बाइनरी। अब बाइनरी सॉल्यूशन में आप आगे पढ़ेंगे कि नाइन टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, नाइन टाइप के बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात कर रहा है कंसंट्रेशन के बेस पे, तो बेटा कंसंट्रेशन के बेस पे कितने पार्ट में हमने क्लासिफाई कर दिया है, तो कंसंट्रेशन के बेस पे हम तीन पार्ट में करते हैं बेटा। एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, थर्ड क्या होता है बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या इसी को मेटास्टेबल सॉल्यूशन भी कहते हैं, मेटास्टेबल सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो तीन टाइप का हो गया, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या होता है,
अनसैचुरेट का मतलब सॉल्वेंट है, सोल्यूट को हमने डिसॉल्व किया, अभी सोल्यूट और डिसॉल्व हो सकता हो। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट और अभी डिसॉल्व हो सकता हो नॉर्मल कंडीशन पे, ऑन हीटिंग नहीं, हीट करने पे नहीं, नॉर्मल कंडीशन पे, ठीक है, और डिसॉल्व हो सकता हो, उसे कहेंगे अनसैचुरेट है। अभी तो ये और खा सकता है, अभी तो सैचुरेट नहीं हुआ है, अभी तो अनसैचुरेट है, ठीक है। सेकेंड क्या है, सैचुरेटेड, भाई वन ग्लास वाटर लिया हमने, उसमें शुगर डालना शुरू किया, जितना मैक्सिमम शुगर डिसॉल्व हो सकता है नॉर्मल कंडीशन पे विदाउट हीटिंग, नॉर्मल कंडीशन पे जितना हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे सैचुरेट, मैक्सिमम हो चुका है, अब उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसे कहेंगे अब ये सैचुरेट है, बिल्कुल एकदम फिट हो चुका है, ठीक है, पेट भर गया इसका, उसे कहेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात आ रही है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ, तो भाई अब जितना हमको खाना था, जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था उतना तो हो लिया, जब उससे ज़्यादा डिसॉल्व हो सके, तो नॉर्मल कंडीशन पे तो अभी मैंने बात किया था कि उससे ज़्यादा तो डिसॉल्व हो नहीं सकता, तो कैसे कंडीशन आएगा, अब हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर देने में एक चीज़ यहाँ ध्यान देनी होगी, सपोज़ करिए हमने हीट कर दिया, शीरा चाशनी बनाते हैं घर में हम लोग, वो गुलाब जामुन वाले और मिठाइयों के, तो मम्मी लोग बनाती हैं, देखा हमने बहुत बार, खाए भी होंगे आप लोग। तो सपोज़ करिए जो शीरा बनाया जाता है, देखा भी होगा, तो गर्म करते हैं पहले, ठीक है, वाटर लिया, वाटर में शुगर को डाल दिया, तो ज़्यादा अमाउंट में शुगर डालते हैं और गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करेंगे तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया, ज़्यादा स्पेस खाली हो जाएगा, जब वाटर को गर्म किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो जो इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं यानी जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के, वो तो वीक होगी ना हीट करने पर, वीक होगी तो थोड़ा दूर दूर जाएंगे, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होगा तो क्या हो जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर हटेंगे, दूर हटेंगे तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो ज़्यादा शुगर डिसॉल्व हो गया, ठीक है। जब ज़्यादा शुगर डिसॉल्व हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटासैचुरेटेड। इसका मतलब कि हीट करने पे ही ये कंडीशन आ सकती है, ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं आ सकती, जब आप हीट करोगे तो ही आएगी। जब हीट कर दिए तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, अब बेटा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझना, जब वॉल्यूम बढ़ गया तो उस बढ़े हुए वॉल्यूम पे हम क्या करिए, मैक्सिमम जितना डिसॉल्व हो सकता था डिसॉल्व किए, तो बेटा उस वॉल्यूम पे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया ना, वो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया ना, हीट कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो भाई हम तो फिक्स वॉल्यूम की बात कर रहे थे, वॉल्यूम तो हमने चेंज किया नहीं था, एक वॉल्यूम था मान लीजिए वन ग्लास लिया होता, जब हम हीट करेंगे तो वन ग्लास बढ़ जाएगा ना वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ गया तो अब उसमें जब डिसॉल्व किए तो क्या बना, सैचुरेटेड ही ना। यानी सुपर सैचुरेटेड कब बनेगा, तब बनेगा जब क्विक कूल किया जाए, स्लोली कूल करेंगे तब नहीं, क्या करते हैं उसको, क्विक कूल करेंगे, जब क्विक कूल करते हैं तो उस कंडीशन पे बनता है मेटासैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, या मेटास्टेबल सॉल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्लियर, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें क्या रहा, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट अभी और डिसॉल्व हो सकता हो वो कंडीशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, जिसमें अब मैक्सिमम हो चुका है और डिसॉल्व नहीं हो सकता सॉल्यूट, क्लियर। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, जब सॉल्यूट का अमाउंट नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है, बात समझ में आ गया। ये कब हो सकता है, जब हम हीट करके डिसॉल्व करें और क्विक कूल करें, ठीक है, तो उस कंडीशन पे कैसा तैयार होगा, मेटासैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट के बेस पे, ठीक है। तो बेटा यहाँ दो तरीके का हमने क्लासीफाई किया हुआ है, एक तो होता है एक्वस सॉल्यूशन, एक क्या हो गया बेटा एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेचर के बेस पे हमने कैसे क्लासिफाई किया, दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में फिक्स हो गया बेटा, एक्वस लिख दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, तो सॉल्वेंट ऑलवेज वाटर, ये फिक्स है, ठीक है। इसमें सॉल्वेंट क्या हो गया, इसमें सॉल्वेंट क्या हो गया, अदर देन वाटर, ये हो गया, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो गया, सॉल्वेंट हमारा वाटर होगा, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अदर देन वाटर होगा, ठीक है। अब इसके जरा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं नॉन एक्वस वाले का, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि अगर सॉल्वेंट, मान लीजिए कि सॉल्वेंट ईथर है, ठीक है, तो सॉल्यूशन का नाम क्या दोगे, सॉल्यूशन का नाम क्या देंगे, क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, मतलब ये नहीं पूछता है कि नाम क्या देंगे, क्वेश्चन में दे देता है, वो नाम ही देता है, जैसे एथरल सॉल्यूशन कहते हैं इसे, एथरल सॉल्यूशन, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, एथरल सॉल्यूशन,
ठीक है। अगर सपोज करिए कि लिक्विड अमोनिया आ गया, अब ये तो नाम सुने होंगे आप, अगर लिक्विड अमोनिया आ गया क्या कहते हैं हम, अमोनिकल सॉल्यूशन, याद आया, अमोनिकल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, अमोनिकल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट समझने में, क्लियर, ठीक है। तो अगर लिक्विड अमोनिया है मान लीजिए सॉल्वेंट, तो उसे बोलेंगे अमोनिकल सॉल्यूशन। ईथर है, एथरल सॉल्यूशन, ठीक है। एल्कोहल भी कहते हैं अगर ऐसा बन रहा है तो। खैर अब यहाँ पे अगर एल्कोहल रहा तो, इतनी बात समझ में आ गई, कहीं कोई डाउट है फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। थ्री बेसिस, देयर आर थ्री बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, नाउ सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड थर्ड इज द नंबर द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइंग फ्यू कैटेगरीज लाइक बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, टेट्रानरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट कितना, सॉरी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिला कितने होंगे, टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। टर्नरी सॉल्यूशन कितने होंगे, थ्री हो गए, टेट्रानरी में फोर, पॉलिनरी में एन, मतलब मोर देन फोर आगे लेके चलेंगे लोग, ठीक है। इस तरह से अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, कोई डाउट यहाँ तक समझने में, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। जितनी चीज़ें आप एकेडमिक में पढ़ चुके हो उसको हम छोड़ रहे हैं, वो तो आप पढ़ ही चुके हो, आप पढ़ रहे होगे, उससे हम आगे चलते हैं, ठीक है। या हमको जहाँ लग रहा है या आपको कहीं कोई डाउट लग रहा है तो आप हमसे फ़ोन से पूछ लीजिएगा, मैसेज से पूछ लीजिए, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, जैसे भी पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा उसको, ओके। अब एक पॉइंट और हमको समझाना था, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, या इसी को रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। अब हम ये इसलिए बता रहे हैं कि इससे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे दे देता है ब्रैकेट में, देता है कि कोई एक सॉल्यूट या सॉल्वेंट, कोई एक चीज़ है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी दी हुई है, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन करा देंगे, ऐसा आप समझ जाएंगे कैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बेटा, यहाँ नाम से क्लियर है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। मतलब किसी न किसी से हम रिलेट कर रहे होंगे, तो किससे रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, तो देखिए जरा होता क्या है, ये एक रेशियो है, क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या है रेशियो है, किसका रेशियो है, बिटवीन बिटवीन डेंसिटी ऑफ कोई भी सॉल्वेंट है हमारे पास, या कोई सॉल्यूशन ले लो, किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, विद किसके साथ, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो एक रेशियो है किसके साथ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो होता है। यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ये होती है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये हो गया। अब बेटा एक बात, इसीलिए हम कई बार देखते होंगे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह पे कोई सॉल्यूशन को जो डेंसिटी दी है उसी को रख देते हैं वैल्यू। रीजन क्या है आपको ही पता हो गया, देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर ml, ये तो होता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया, 1 ग्राम पर ml, गुड आउट, ठीक है। तो वाटर का 1 kg और 1 लीटर इक्वल होगा, वाटर का 1 kg और 1 लीटर कितना होगा, इक्वल अमाउंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। 1 ग्राम 1 ml, समझ लीजिए ऐसे, 1 ग्राम 1 ml। अब अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, तो कितना आ गया यहाँ पे, 1000 ग्राम, और यहाँ कितना आ गया, 1000 ml। 1000 ml का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 लीटर, और इतना मतलब क्या हो गया, 1 kg, तो 1 kg 1 लीटर, 1 kg per liter हो गया, तो 1 kg 1 liter के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई डाउट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो देता है, किसके बीच दे रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विद डेंसिटी ऑफ वाटर, कोई डाउट है, कहीं कोई परेशानी समझने में इस पर, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
तो एक क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी पे बेस्ड पे, ठीक है, अभी देख लीजिए अभी कॉन्सेप्ट हमने समझा है, क्वेश्चन समझ लीजिए जरा। कह रहा है कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हैविंग प्योरिटी 70% बाय वेट, ठीक है। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की नॉर्मलिटी पूछ रहा है, दिया क्या है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है सोल्यूशन की, ठीक है, जो सोल्यूशन बना होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, ठीक है, यानी रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11 में पढ़ा था, एक शॉर्टकट था हमारे पास, x इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था पिछले साल। यहाँ x क्या है बेटा, x क्या है मास परसेंट, x क्या होता है यहाँ पे मास परसेंट, ठीक है, ये मास परसेंटेज है, क्लियर। इक्विवेलेंट वेट किसका होगा सोल्यूट का। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 बेटा, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा m/3, m कितना हो गया इसका 98/3 स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, सॉरी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे मास परसेंट, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है प्योरिटी 70% बाय वेट है, यानी ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे मास परसेंट दे रखा है इसका, ठीक है, यानी अब सिंपल सा कैलकुलेशन हमारे पास आ गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 70, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी है 1.54, ठीक है, इंटू 10 अपॉन 98/3, क्लियर, कितना आ जाएगा ये आ गया 33, तो 70% क्या है इसकी बाई मास है, बाई मास परसेंट दिया है, ठीक है, वेट परसेंट है मास परसेंट है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, अगर ही नॉर्मलिटी के यहाँ पे मोलरिटी होता तब क्या लेते हैं, तब यहाँ पे मोलिकुलर वेट लेते हैं, ये तो सेम रहता है, यहाँ पे मोलिकुलर वेट लेते हैं, कोई डाउट, ठीक है। तो सोलिबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेटा, सोलिबिलिटी, ठीक है, सोलिबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोलिबिलिटी, ठीक। अब देखो जरा सॉलिबिलिटी बहुत सारा पढ़ चुके हैं, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में, गैस का लिक्विड में, हेनरीज लॉ, सारा कुछ आपने पढ़ा होगा एकेडमिक्स में, ये सारा कुछ है। हम बस एक पॉइंट है थोड़ा सा हट के वो बस बताना चाह रहे हैं जो यहाँ पे क्या डिफरेंट है, ठीक है, आपके कंपटीशन में क्या हेल्प करेगा बेटा। अगर किसी की सॉलिबिलिटी की बात करें तो क्या कोई और फैक्टर होता है ये प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन या इनको छोड़ के कुछ और फैक्टर, बिल्कुल फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि अगर कहीं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सॉल्युबिलिटी में चेंज कैसे। अगर मैं आयोडीन की बात करूं, बेटा मैं एक केस की बात कर रहा हूं, ठीक है, मान लो केस वन की बात कर रहा हूं मैं, आयोडीन I2, क्या ये वाटर में सोल्युबल है, स्पैरिंगली सोल्युबल है, ये बहुत स्लाइटली सोल्युबल है या बहुत पार्शली सोल्युबल है, सोल्युबल नहीं है, ठीक है, पार्शली सोल्युबल है ये। लेकिन अगर हम इसी में KI डाल देते हैं तो क्या बना लिया, KI3 पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, KI3, और इसकी बहुत अच्छी सोलिबिलिटी हो जाती है, यानी अब आयोडीन और डिजॉल्व हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या था, सोलिबिलिटी इसकी बहुत कम थी, सोलिबिलिटी क्या थी, बहुत कम थी, लेकिन जैसे हमने KI के साथ बनाया एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ और इसकी वजह से सोलिबिलिटी क्या हो गई, इनक्रीज कर गई, ठीक है, कोई डाउट है। तो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है तो सोलिबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है, कोई डाउट समझने में। एक और हम बढ़िया केस ले सकते हैं, सेकंड केस, सपोज करिए HgI2 है, ठीक है, अगर हम इसको KI के साथ डिजॉल्व करें तो बेटा ये जो होता है ना ये इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, ये वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल है, ठीक है, वाटर में इनसोल्यूबल है। लेकिन अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको ऐड कर दें तो क्या बना ले रहा है ये, K2HgI4, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लिया और ये फेयरली सोल्यूबल है, क्या है ये, फेयरली सोल्यूबल है, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ तो सोल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। HgI2 क्या था, इनसोल्यूबल है वाटर में, ठीक है, वाटर में क्या था, इनसोल्युबल है, हमने KI ऐड कर दिया तो सोल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो बेटा पहला पॉइंट हमारा क्या रहा यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट क्या रहा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स
फॉर्मेशन। तो अगर कहीं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ दो केस हमने आपको बताए हैं जहाँ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। को डाउट कहीं कोई? एक और केस देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, सेकेंड क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर सॉल्यूट का, सॉल्वेंट में हम कोई सॉल्यूट है उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, या वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो वाटर में कैसा है, वाटर में वाटर मॉलिक्यूल के बीच कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एक चीज़ पूछा था, वाटर में कौन सी चीज़ डिजॉल्व होगी? बेटा आँख मूंद के याद रखो कि कोई भी चीज़ अगर वाटर में डिजॉल्व हो रही है, कोई भी चीज़ अगर वाटर में डिजॉल्व हो रही है, ठीक है, तो वो वाटर के साथ कैसा बॉन्ड बना रही होगी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही होगी, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता वाटर के साथ वो डिजॉल्व नहीं होगा। अब सॉल्ट के केस में हाइड्रोजन एनर्जी, लैटिस एनर्जी ये भी देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई चीज़ वाटर में डिजॉल्व हो रहा है तो हम यही देखेंगे हाइड्रोजन एनर्जी कैसी है, लैटिस एनर्जी कैसी है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो हम सॉल्ट के लिए याद रखेंगे, लेकिन अगर कोई सॉल्ट नहीं है तो उसके लिए देखेंगे कि उसकी एफिनिटी कैसी है, कितना वो पोलर है, ठीक है। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, पहला एग्जांपल आ रहा है सिंपल सा कि अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया और H2S विच वन मोर डिजॉल्व इन वाटर, कौन ज़्यादा डिजॉल्व होगा वाटर में, तो अमोनिया डिजॉल्व होगा।